ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज वेलकम चीफ गेस्ट। इसी गुड थॉट के साथ आई रिक्वेस्ट रागिनी शिंदे मैम टू। करीब 180 कॉलेज लास्ट टाइम आए थे, बीच में 2 साल कोरोना में गया, इवेंट हुआ नहीं। अभी फिर हिम्मत करके लोगों ने काम किया है और प्रारंभ शुरू किया है। हर तरह का स्पोर्ट्स, हर तरह का ड्रामा कंपटीशन, फैशन ड्रेस कंपटीशन, सारा मतलब बच्चों को टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म नहीं देंगे तो टैलेंट कैसे आएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब को गांव में थे, इतने बड़े गायक हुए, उनको प्लेटफार्म नहीं मिल रहा था, लेकिन किसी ने सिफारिश किया तो उनका जब संगीत सुना तो रेडियो पर गए, और रेडियो पर जाने के बाद उनकी पॉपुलर आवाज़ हुई, फिर वो बॉम्बे आए। अब इतने बड़े कलाकार बने कि उतना बड़ा गायक आज तक कोई हुआ नहीं। 5-6 बार तो उनको यहाँ का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, उसके बाद राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और आज भी उनके गाने जब सुनते हैं 50-60 साल पहले जो गाए तो दिल हरा हो जाता है। उतना अच्छा कोई किसी आवाज़ हमको तो पसंद नहीं आई। तो टैलेंट यहाँ बिखरता है। रुचिरा जी आई हैं, बच्चों को कुछ सीख दे के जा रही हैं, कुछ कौशिक जी ने बोला, कुछ हमने बात किया, ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़े। हमने देखिए कहा ना, आज तुम लोग जो गाना फिल्म का बना उस पर चल रहा है, तुम माने या ना माने, तुम है मेरी किरण, उससे दूर जाओ। पहले गाना होता था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, एक सबक था, शिक्षा थी, उस वाले तेरा जवाब नहीं, एक मतलब तारीफ होती थी उसमें। अब आज 35 टुकड़े कर रहे हैं, कोई एसिड फेंक रहा है, कोई 2 टुकड़े कर रहा है, क्या है, और उसके बाद जेल में जाके ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो ये जो है, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे बच्चे और अच्छा करेंगे, और टैलेंट को प्राइज दिया जाएगा। 52 प्रोग्राम्स का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन 19 को होगा। आप सबको हम फिर यूनाइट करते हैं, आइए और बच्चों को प्लेटफार्म मिलने दीजिए, लेट देम गो अहेड। से पहले नई मुंबई की जनता की तरफ से आदरणीय कुंवर हरमन सिंह जी, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका आभार मानता हूँ कि इन्होंने नई मुंबई के जनता का जो गोर गरीब आदमी था, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसको कैसे पढ़ाया जाए, उसके लिए अथक प्रयास किए। मैं उनका मन से दिल से आभार मानता हूँ। दूसरा, सिंह साहब का चीज़ देखा मैंने कि हर जरूरतमंद को प्रोत्साहित करते हैं, मदद करते हैं, और कोई इनका स्वार्थ नहीं है, कोई पैसा लालच नहीं है, इसलिए हम सब लोग इनको लोक नेता बोलते हैं। दूसरी बात, लोक नेता के साथ साथ उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी को पैसा कमाने के लिए यूज़ नहीं किया, सोशल वर्क के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज़ किया ताकि जनता की सेवा हो सके, निस्वार्थ भाव से सेवा किया। कितनी कठिनाइयाँ आई, कहाँ से पैसा है, उसके जादूगर यही है, हर एक का काम नहीं है। तो दूसरी बात, ये जो संस्था है, मैं काफ़ी नज़दीक हूँ, और मैंने एक चीज़ देखी कि मेरा खुद का भी लाइफ जो है ना, इनकी उंगली पकड़ के ही, हमने भी इनको आदर्श समझ के उंगली पकड़ के हम भी आगे आए हैं। नई मुंबई में आए तो पहली बार इनके साथ ही, इनके इधर से ही रोजगार शुरू किया, इनके हाथ से ही हमने पहली बार, इनके आशीर्वाद से ब्लॉक अध्यक्ष बने, इनके आशीर्वाद से उप महापौर बने, और हर एक बात पे कभी कुछ हुआ, इनका बड़ी चीज़ क्या है कि सावधान भी करते रहते कि ये तुम गलत जगह पे जा रहे हो, इसलिए इनको हम अपना एक बड़ा भाई, एक आदर्श मानते हैं। क्या है, एक शब्द है, निंदक नीड़े रागी है, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे। इनका स्वभाव ऐसा है कि आदमी की कमी पहले बताते, इसमें तो सुधर जा। इन बच्चों के लिए एक आदर्श व्यक्ति है, हिम्मती व्यक्ति है, ये शुभेच्छा देने के लिए आज के दिन मैं आया हूँ। नया साल आने वाला है, मैं उम्र में छोटा हूँ इनसे, मैं इनको आशीर्वाद तो दे नहीं सकता हूँ, पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनका आशीर्वाद हमें सालों साल मिलता रहे और बच्चों को कार्य मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद। प्रारंभ का प्रारंभ हुआ है आज, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, और आई कुड बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट, बिकॉज दिस इवेंट इज यू नो टेकिंग पार्ट फॉर अ सोशल कॉज एंड अ वेरी हम्बल नोबल कॉज, सो आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट, सो आई फील इमेंसली ग्रेटफुल, एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट वासु पांडे सर एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड पार्टिसिपेंट हु हैज टेकन पार्ट इन दिस इवेंट। जर्नी बहुत ही रोमांचकारक था, तो या आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बस वही सीख रही हूँ मैं अभी उसी जर्नी में से। नहीं,
नहीं, जाने के टाइम हम दोनों गए थे, आने के टाइम जैसे कि मैंने कहा कि आई वॉज इन टू द नॉमिनेशन. अभी एविक्शन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ उस पर ऑडियंस ने भी रिएक्ट किया, सो आई गॉट एविक्टेड इन दैट पर्टिकुलर वीक. सो उसका रीजन्स मेकर्स को पता है या फिर जो भी है, सो आई हैव टोटली एक्सेप्टेड इट, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर इट. आई डोंट वॉन्ट टू वॉच इट. बाहर आने के बाद भी मैंने सिर्फ एक हफ्ता देखा जो मेरा एविक्शन का हफ्ता था, सो दैट वॉज इनफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड वॉट हैपन्ड इनसाइड. वो तो मैंने खुद आई हैड बीन देयर 24 आवर्स, और एक घंटे में क्या दिखाते हैं वो भी मैंने देखा. सो वो सब देखने के बाद मुझे इच्छा नहीं हुई कि मैं पहले के एपिसोड से आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट. सो अभी कोई भी जीते कोई भी हारे मुझे इट डजंट मैटर. एक मराठी मूवी आ रही है नेम्ड एज बाबू, इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इवेंट्स, और लव स्टोरी एक्शन थ्रिलर सब है. सो दर्शकों को पसंद आएगी और मैं एक नए रूप में दर्शकों को देखने मिलूंगी. सो या बाबू.